जिंदगी में संघर्ष कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर सही दिशा में और सच्चे मन से करें तो सफलता जरूर मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज, मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। अपनी हिम्मत और सच्ची मेहनत से कामयाबी की कहानी लिखने वाले भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को आज कौन नहीं जानता। सिर्फ यूपी बिहार ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी उनके चाहने वालों की संख्या लाखों करोड़ों में है। कभी पाई पाई के लिए मोहताज रहने वाले खेसारी लाल यादव आज एक फिल्म के लिए लगभग 50 लाख रुपए तक की भारी भरकम फीस लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से सटे बिहार के छपरा जिला में 6 मार्च को खेसारी लाल यादव का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में कहा जाता है कि उनका कामयाबी का सफर बेहद संघर्ष भरा रहा है। तकरीबन एक दशक पहले खेसारी लाल यादव अपने गृह राज्य बिहार के छपरा जिले में दूध बेचने का काम किया करते थे। शरीर से ठीक ठाक खेसारी लाल यादव ने आवेदन किया तो उनका चयन BSF में हो गया था। यहां भी एक दिक्कत थी कि उनके मन में एक गायक था और उनके दिल में भोजपुरी गायक बनने का जुनून भी सवार था। वो BSF में शामिल हुए, ज्वाइन भी किया, लेकिन कुछ ही महीने में नौकरी छोड़ दी। इसके बाद संघर्ष की कड़ी में वो दिल्ली आ गए। यहाँ पर आकर उन्होंने म्यूजिक एल्बम निकालने के लिए कई नामी कंपनियों के चक्कर लगाए, लेकिन बात बनी नहीं। यहाँ रहने के दौरान दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना था, इसलिए दक्षिणी दिल्ली के ओखला इलाके में लिट्टी चोखा की दुकान लगा ली। दो वक्त की रोटी का जुगाड़ हुआ तो म्यूजिक एल्बम निकालने की इच्छा और तेज हो गई। लिट्टी चोखा की दुकान में अपने ग्राहकों को स्वादिष्ट खाना खिलाने के दौरान वो उन्हें गाना गाकर भी सुनाया करते थे। मिली जानकारी के मुताबिक बेहद साधारण परिवार से आने वाले खेसारी लाल यादव ने गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है। यही वजह है कि वह आज भी संघर्ष की कद्र करते हैं। बिहार के छपरा जिला के रहने वाले खेसारी लाल यादव के पिता मंगरू यादव चने बेचकर परिवार का गुजारा करते थे। 7 भाइयों में शुमार खेसारी लाल यादव ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। वह खुद बताते हैं कि घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए खेसारी लाल यादव बारात में महिला डांसर कर भी जाते थे। उन्होंने अपने शुरुआती दौर के एल्बम में खुद ही महिला कलाकार का किरदार भी निभाया है। आपको बता दें कि बिहार पूर्वांचल में इसे लौंडा नाच भी कहा जाता है। खेसारी लाल यादव अपनी गायकी और जबरदस्त अभिनय के दम पर भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ जैसे दिग्गजों के समकक्ष खुद को खड़ा किया है। बता दें कि अपने करियर की शुरुआत खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी फिल्म साजन चले ससुराल से की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें सिर्फ 11,000 रुपए मिले थे। यह महज इत्तेफाक है कि सलमान खान को भी अपनी पहली फिल्म मैंने प्यार किया के करीब करीब इतने ही रुपए मिले थे। अपनी मेहनत से भोजपुरी सिनेमा में खेसारी लाल यादव ने एक खास पहचान बनाई है। वर्तमान में वह भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं। मिली जानकारी के मुताबिक खेसारी लाल यादव आज एक फिल्म के लिए कम से कम 40 से 50 लाख रुपए लेते हैं। इसी के साथ एक स्टेज शो के लिए वो 15 लाख रुपए तक लेते हैं। बताते चलिए कि वह सलमान खान के शो बिग बॉस 13 में भी नजर आए थे। हालांकि यह अलग बात है कि वह जल्द ही बाहर भी हो गए थे। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।